ए वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी की जो थर्ड यूनिट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तीसरी यूनिट जो है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और सही मायने में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही नाम दिया जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में तीन चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन का आधार। दूसरा चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन। तीसरा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स का। और हर एक यूनिट के पहले एक बायोग्राफी दी हुई है एनसीईआरटी में। आज जो हम बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं वो है जी एन रामाचंद्रन की। तो जी एन रामाचंद्रन की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद से जो पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन का आधार, उसको पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है जी एन रामाचंद्रन से रिलेटेड वो मैं एक बार कॉपी कर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें और फिर उन सारे पॉइंट को एक एक करके याद करा रहे हैं। ठीक है,
चला, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने नोट कर दिए हैं जी एन रामाचंद्रन के, यही जो है इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की कहता है जी एन रामाचंद्रन के लिए, कहता है एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। भारत देश में प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो तो एक जाना पहचाना नाम है, वो नाम है जी एन रामाचंद्रन का। कहने का मतलब ये कि अपने देश में प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो और जी एन रामाचंद्रन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक जाना पहचाना नाम है जी एन रामाचंद्रन का, अगर बात हो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से जरा सुने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। जी एन रामाचंद्रन पैदा हुए थे 8 अक्टूबर 1922। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि जी एन रामाचंद्रन का बर्थडे याद रखेंगे, बर्थडे इनका 8 अक्टूबर 1922, ठीक है। एक छोटे से टाउन एरिया में हुआ था जो कोचीन से ज्यादा दूरी पे नहीं है, एक स्मॉल टाउन में हुआ था जो कोचीन से ज्यादा दूरी पे नहीं है, कोचीन के पास नहीं है। कोचीन को कोची भी कहा जाता है। और जरा देखें भारत देश के किस तटीय एरिया में पड़ेगा, किस कोस्टल रीजन में पड़ेगा, तो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जी एन रामाचंद्रन पैदा हुए थे 8 अक्टूबर 1922 एक छोटे से कस्बे में जो कोचीन से ज्यादा दूरी पे नहीं है, ठीक। और वो भी किस कोस्ट में, साउथ वेस्ट कोस्ट में पड़ेगा भारत देश के, ठीक है। तो पहली बात आपको याद कराई। अगला जरा देखें, जी एन रामाचंद्रन जो है फाउंडर संस्थापक हैं, जरा देखें किसके, मद्रास स्कूल कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, किसके, मद्रास स्कूल कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। आपका नाम होगा, आपका आंसर होगा क्या, आप बताएंगे जी एन रामाचंद्रन। आगे आ जाओ, इन्होंने जो बीएससी है, जो ग्रेजुएशन है, वो किया है मद्रास यूनिवर्सिटी से। किस सन में किया है, 1942 में किया है। और किस सब्जेक्ट में किया है, तो ये देखें फिजिक्स सब्जेक्ट में किया है, ठीक। वो इस वजह से क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, इसी वजह से इनकी जो रुचि है वो मैथमेटिक्स के साथ साथ जो है वो फिजिक्स में भी थी। आगे आ जाओ जरा देखें, उन्होंने अपना शोध कार्य जो है, पीएचडी जो है, रिसर्च जो है, वो कहां से किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहां है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में है। किस सन में किया है, 1949 में किया है, 1949 में किया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ध्यान से सुने, जब वो कैम्ब्रिज गए थे पीएचडी शोध कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो जी एन रामाचंद्रन की मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई। लाइनस पॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्या खास बात है लाइनस पॉलिंग की, तो लाइनस पॉलिंग को बता दें, लाइनस पॉलिंग को मिल चुका है नोबल प्राइज। लाइनस पॉलिंग को यह नोबल प्राइज मिल चुका है प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर के लिए, और उस स्ट्रक्चर का नाम है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाइनस पॉलिंग क्यों मशहूर है, क्यों पॉपुलर है, वो इस वजह से क्योंकि लाइनस पॉलिंग को नोबल प्राइज मिल चुका है। भाई क्यों नोबल प्राइज मिल चुका है, नोबल प्राइज मिला है प्रोटीन के एक मॉडल के लिए, और प्रोटीन के उस मॉडल का नाम है, ध्यान से सुने, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। आगे जब बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि ये प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे डिफाइन करता है, एक बायोलॉजी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी प्रोटीन। तो लाइनस पॉलिंग ने जिन प्रोटीन का मॉडल दिया है वो सेकेंडरी प्रोटीन का मॉडल है, मॉडल है अल्फा हेलिक्स बीटा सीट। इसके लिए लाइनस पॉलिंग को नोबल प्राइज मिल चुका है। ध्यान से सुना, जब जी एन रामाचंद्रन लाइनस पॉलिंग से मिले कैम्ब्रिज में, डीपली इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए उनसे, और मन ही मन इन्होंने ठान लिया
कि हम भी लाइनस पॉलिंग के ही जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, लाइनस पॉलिंग के ही जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे। और देखिए इन्होंने, जी एन रामाचंद्रन ने जो ठान लिया था उसको पूरा किया, और आगे चल के इन्होंने कोलेजन प्रोटीन का, कौन सा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल में बताएंगे, एनिमल बर्ड्स में, एनिमल्स में पाए जाने वाला, एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन है। और उसी कोलेजन का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को नाम दिया गया ट्रिपल हेलिकल मॉडल। याद रखना जी एन रामाचंद्रन के मॉडल का क्या नाम है, जी एन रामाचंद्रन के मॉडल का नाम है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ट्रिपल हेलिकल मॉडल कोलेजन का किसने दिया है, जी एन रामाचंद्रन ने दिया है। जरा देखना किस सन में पब्लिश हुआ था यह मॉडल, 1954 में पब्लिश हुआ था, और किस मैगजीन में पब्लिश हुआ था, नेचर नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था, याद रखेंगे। तो जी एन रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया है कोलेजन का, 1954 में पब्लिश हुआ था, नेचर नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और फाइनली 78 ईयर के एज में इनका देहावसान हो गया, ठीक है, और किस सन में, 2001 में। तो 2001 में इन्होंने दुनिया से विदा ले लिया, इन्होंने अलविदा कह दिया दुनिया को हमेशा के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जी एन रामाचंद्रन के लिए, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं और जरा इस पे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी की तीसरी यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब वो एनसीईआरटी की लाइनें आपको जल्दी जल्दी दिखा दें कि क्या कह रहा है, इसको जरा आप देख लें। सबसे पहले यहां पे ये फोटो पहचानिए, ये फोटो है जी एन रामाचंद्रन की, ठीक है। पहले पॉइंट पे आप आ जाए, जरा देखें इसके बारे में बात करते हैं, और ये आपको याद कराए, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है जी एन रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जी एन रामाचंद्रन एक जाना पहचाना, एक जाना माना नाम है अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो। वह द फाउंडर, साथ में वो संस्थापक थे किसके, मद्रास स्कूल कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है। आगे आ जाओ, इनकी डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी, आप जानते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का पब्लिश हुआ था नेचर में, किस सन में, 1954 में। और उनकी जो एनालिसिस थी, जो प्रोटीन के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बनाए थे, किसमें ड्रा किया था, रामाचंद्रन प्लाट में दिखाया था अलग अलग टाइप के प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को। इसके बाद ये जी एन रामाचंद्रन पूरे दुनिया में मशहूर हो गए, और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनकी काफ़ी नाम हुआ इनका, जी एन रामाचंद्रन का, इस पार्टिकुलर काम के लिए जो प्रोटीन के अलग अलग तरीके का कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बता दिया। आगे आ जाओ, ये आपको याद कराया। पैदा हुए थे 8 अक्टूबर 1922 को एक छोटे से कस्बे में जो कोचीन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, नॉट फार फ्रॉम कोचीन, कोचीन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और साउथ वेस्ट कोस्ट में। उनके फादर प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, वहीं उसी प्रॉपर टाउन एरिया में। तो उनका पूरा जो प्रभाव था इनके ऊपर पड़ा, और रामाचंद्रन की जो रुचि है वो मैथमेटिक्स में आ गई। आगे आ जाओ, देखो जरा, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर, रामाचंद्रन ग्रेजुएटेड, बताया 1942 में ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, बीएससी किया है, और वो भी टॉप रैंकिंग स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, बीएससी ऑनर्स है, और किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, कहाँ से, मद्रास यूनिवर्सिटी से। सारी लाइनें आपको याद करा दी हैं। इन्होंने पीएचडी रिसीव किया है कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, किस सन में, 1949 में, ये भी याद कराया। आगे आ जाओ, जब वो कैम्ब्रिज पे थे, रामाचंद्रन किन से मिले, लाइनस पॉलिंग से मिले, किन से मिले, लाइनस पॉलिंग से मिले, और डीपली इन्फ्लुएंस, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा रामाचंद्रन के ऊपर लाइनस पॉलिंग का। और देखो क्या कर रहा है, वह डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर। जो वो मॉडल दिए थे लाइनस पॉलिंग, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट,
इसी को देख के ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और इसी वजह से इनका पूरा जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में, कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में लगा। और बताया इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया है कोलेजन प्रोटीन का। 78 ईयर के एज में ये दुनिया से विदा ले लिए, किसन में 2001 में, 7 अप्रैल 2001 को। तो इसी के साथ जी एन रामचंद्रन की पूरी बायोग्राफी याद करा दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, देखा जा रहा, October 8, 1922 जी एन रामचंद्रन पैदा हुए थे। 1942 ये है इनका ग्रेजुएशन। 1949 ये है इनकी पीएचडी। 1954 नेचर नाम के मैगजीन में पब्लिश हुआ था ट्रिपल हेलिकल कोलेजन मॉडल, ठीक है, और 2001 इनका डेथ हो गया था, ठीक। तो इसी के साथ ये पूरी बायोग्राफी जो है वो कंप्लीट की। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे साइटोलॉजी का पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन का आधार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।